नगर निगम धर्मशाला में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। रैपिड एंटीजन ट्रैकिंग से किए कोरोना टेस्ट में नगर निगम के 15 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते निगम कार्यालय को सैनिटाइज करवाकर 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 71 लोगों के टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से 15 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुछ दिन पहले नगर निगम धर्मशाला के एडिशनल कमिश्नर कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते नगर निगम कार्यालय में टेस्ट करवाए गए हैं। जो 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में भेजा गया है। 2 दिन बाद भी नगर निगम कार्यालय खुलेगा, लेकिन उसमें भी ये देखा जाएगा कि जिन लोगों की नगर निगम में जरूरत है उन्हें ही ऑफिस बुलाया जाए। नगर निगम कर्मियों के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं तो 2 दिन बाद फिर से सैंपल लिए जाएंगे। देखिए, ये टेस्ट आज ही हम लोगों ने करवाए हैं और ये 71 लोग थे जिनके टेस्ट हुए, उसमें से 15 लोग इसमें पॉजिटिव आए हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो एडिशनल कमिश्नर थी मैडम मधु चौधरी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, तो उसके चलते आज हमने यहाँ पे अपने ऑफिस में टेस्ट करवाए हैं, जिसके चलते आज 15 लोग पॉजिटिव आए हैं। देखिए, फिलहाल अगले 2 दिन तक हम ऑफिस में काम नहीं करेंगे और पूरे ऑफिस को सैनिटाइज कर दिया गया है। 2 दिन के बाद फिर ऑफिस खुलेंगे। जो लोग आइसोलेशन में, इनको जो पॉजिटिव निकले हैं, इनको होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। और बाकी जो 2 दिन के बाद जो ऑफिस खुलेगा, तो उसमें देखेंगे कि जिन लोगों की ऑफिस में ज़रूरत है उनको ऑफिस में बुला के फिलहाल काम जो है वो कम स्टाफ के साथ शुरू करेंगे सभी कर्मचारी वर्ग। देखिए, अगर किसी में सिम्टम आता है तो अगले 2 दिन के बाद एक बार फिर सैंपल लिए जाएंगे, तो जो लोग इनके इंटरेक्शन में पहले आए उनका भी सैंपल हम लोग ले लेंगे।